नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ कच्ची केरी का बहुत ही टेस्टी जेम बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत आसान है, सिर्फ दो सामान से ही बनकर ये हमारा जेम तैयार हो गया है। और देखिए, पास से भी आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर इसका टेक्सचर आया है और एकदम ये ट्रांसपेरेंट बना है। बच्चों को जेम बहुत पसंद आता है, इसे हम ब्रेड में लेयर अच्छे से लगाकर, पराठा पूरी में भी लगाकर और इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी खट्टा मीठा जेम बनकर तैयार हुआ है। आपको मैं पास से भी दिखाती हूँ। देखिए, मैंने थोड़ा सा एक कटोरी में भी निकाल कर रखा है और चम्मच में भी आपको लेके दिखाती हूँ कितना सुंदर हमारा जेम बना है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। हमने इसमें किसी भी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ कच्चा आम और शक्कर से हमारा जैम बनकर तैयार हो गया है। बस थोड़े से ही आम से पूरी बॉटल बन गई है और एक कटोरी और भी बचा था तो हमने उसमें निकाल लिया है। तो आइए जल्दी से इस मज़ेदार केरी के जैम की रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। जैम बनाने के लिए 1 किलो मैंने कच्चे आम लिए हैं, कच्ची केरी जिसे कि हम कहते हैं। इसे 2-3 बार पानी से अच्छे से धो के और तैयार कर लिया है। सारी केरी को मैंने कुकर में ही ट्रांसफर कर लिया है। अब इसमें मैं 3 ग्लास के करीब पानी डाल देती हूँ और गैस पर रखकर हाई फ्लेम पर इसकी 4 सीटी ले लेंगे। उसके बाद में गैस को बंद कर देंगे। कुकर का प्रेशर खत्म हो गया था तो मैंने इसका ढक्कन खोल लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी केरी कितने अच्छे से स्टीम हो गई है, एकदम सॉफ्ट हो गई है। ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हम सारी केरी को एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। केरी अच्छे से छूने लायक ठंडी हो गई है। अब फ्रेंड्स, एक दूसरे बाउल में मैंने 2 ग्लास पानी रख लिया है। अब एक एक केरी हम इसमें से ऐसे उठाएंगे, इसमें डाल के इसका छिलका भी अलग हो गया है और गुठली भी अलग हो गई है। हाथ से इसे थोड़ा सा इस तरह से हम मसल लेंगे तो सारी चीज़ें बाहर हो जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छे से हमारी केरी मैश हुई है। आप देख सकते हैं, देखिए ये केरी का छिलका बिल्कुल अलग हो गया है और उसका पल्प हमारा पानी में आ गया है। इसी तरह से ये गुठली भी है, इसे भी हम थोड़ा सा हाथ से इस तरह से मसलते हुए निकाल लेंगे ताकि वो भी अच्छे से साफ हो जाएगी। तो ऐसे ही मैं सारी केरी का पल्प अलग निकाल लेती हूँ और उसके छिलके और गुठलियों अलग कर देती हूँ। बहुत आसान है, बहुत अच्छे से हो जाता है। ये हमारा सारा केरी का पल्प निकल के तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स, इसे हम एक छलनी से अच्छे से छान लेंगे ताकि केरी में कभी कोई रेशे हो तो वो छलनी से ऊपर आ जाए। सारे पल्प को हमने छलनी से छान लिया और आप देख सकते हैं कि एक स्मूथ इसका टेक्सचर बन के तैयार हो गया है। छानने से बहुत अच्छा रहता है, हमारा जो जैम बनेगा एकदम ट्रांसपेरेंट बनेगा। तो इस तरह से ये तैयार है। अब फ्रेंड्स, कोई भी कटोरी से हम इसे नाप लेते हैं कि हमारा ये पल्प कितनी कटोरी है, उसी हिसाब से हम शक्कर डालेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने इस कटोरी से जो कांच की हमारी है मैंने नाप लिया है, ये हमारा पल्प 3 कटोरी बना है। तो अब इसी कटोरी से नाप कर 3 कटोरी हम इसमें शक्कर डाल देंगे, क्योंकि केरी खट्टी है और शक्कर ही प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। हम इसमें एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ डालने वाले नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ों से ही हमारा बहुत ही टेस्टी जैम बनकर तैयार हो जाएगा। इसी कटोरी से नापकर मैंने 3 कटोरी शक्कर भी ले ली है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं ये स्टील का कुकर ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि केरी का कोई भी सामान अगर हम बनाएं तो उसे एल्यूमिनियम वाली कढ़ाई में न बनाएं, उससे उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो या तो स्टील में, या फिर आपके पास बड़े साइज़ की नॉन स्टिक कढ़ाई हो तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे कुकर में ही बना रही हूँ। बस अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर गैस जलाकर रख देते हैं और लगातार चलाते हुए अच्छे से कुक करेंगे। 20 मिनट के आसपास मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया और आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा हो गया है। बहुत कुछ बनने को ही है। अब फ्रेंड्स, हम इसे कच्चे आम का जैम बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा हल्का हरा रंग डालेंगे तो तभी पता चलेगा कि वो हमने कच्चे आम से बनाया है। तो मैं बिल्कुल इतना सा, आधी चुटकी के करीब इसमें ग्रीन फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ और सारे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए 1 चुटकी
नमक, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना प्यारा इसका ग्रीन कलर आया, बिल्कुल हल्का हमने रखा है, ज़्यादा नहीं डाला। वैसे कलर डालना टोटली ऑप्शनल है और हम जो कलर डालेंगे हमारा जेम उस कलर का दिखता है, लेकिन हमारा ये हरे आम का है, कच्चे आम का, केरी का, तो हम उसे केरी वाला कलर देने के लिए हल्का सा हमने कलर डाल दिया है, फूड कलर। अब इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आया कि नहीं। तो उसके लिए थोड़ा सा हम जेम का लिक्विड लेंगे, एक प्लेट ले लेंगे और इसमें इसको थोड़ा सा हम डाल देंगे इस तरह से, और थोड़ा सा इसको 25-30 सेकेंड के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, 25-30 सेकेंड के बाद में जब हम इसको इधर उधर हिला रहे हैं तो हमारा जेम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, बिल्कुल एक ही जगह पे वो फिक्स हो गया है, जम गया है। तो हमारा समझ सकते हैं कि ये जेम बन के तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, इसे चम्मच से हिलाते हुए हम 2-3 मिनट हल्का सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद में सूखी साफ कांच की बोतल में हम इसे स्टोर कर लेंगे और इसे हमें हल्का गर्म ही भरना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये सेट हो जाएगा तो फिर हम बोतल में इसे नहीं भर पाएंगे। तो बस थोड़ा सा इसकी भाप निकल जाए और हम फिर कांच के बर्तन में इसे डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ये जेम की ही खाली बोतल है, इसे मैंने अच्छे से स्टरलाइज करके रखा हुआ है, उबाल कर धूप में सुखा कर, है ना। तो इसी में मैं ये जेम भर लेती हूँ। इस तरह से पूरा जेम हम बॉटल में शिफ्ट कर देते हैं। मैंने बॉटल में जेम निकाल लिया है, पूरी बॉटल भर गई है और थोड़ा सा और बचा था तो मैंने एक स्टील की कटोरी में भी निकाल के रखा है। अब इसे थोड़ी सी देर हम सेट होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद में मैं आपको पास से और दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर बिल्कुल कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी आसान आसान सी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँ तो उसे आप अच्छे से इंजॉय कर पाएं। देखिएगा फ्रेंड्स, आधा घंटा हमने उसे सेट होने के लिए रख दिया था, तो हमारा जेम कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। और अब इसका कलर देखिए कितना सुंदर, और अब इसे बॉटल को कैसे भी हम उलट पुलट करेंगे तो हमारा जेम नहीं गिरेगा, एकदम सेट हो गया है और बहुत ही सुंदर दिख भी रहा है और खाने में तो डेफिनेटली टेस्टी लगा है। हमने इसे कोई भी इसमें प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ शक्कर ही डाली है कच्ची केरी के साथ में, और शक्कर हमारा प्रिजर्वेटिव का काम करेगी। कलर देखिएगा कितना खूबसूरत कलर आया है। तो सिर्फ 2 चीज़ों से बनकर हमारा जेम तैयार हो गया है, लग रहा है ना बहुत ही सुंदर। और इसी तरह से मैंने जो कटोरी में डाला था उसको भी आप देख सकते हैं, ये भी एकदम ट्रांसपेरेंट बड़ा सुंदर सा कलर दिख रहा है और बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। और फ्रेंड्स, इसी तरह मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, देखिएगा, जो कि मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब जो हमारा जेम का मिश्रण था वो मैंने उसी कुकर में छोड़ दिया था और बाद में उसे मैंने चम्मच से खरोच के निकाला, तो आप देख सकते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। और गरम गरम हमने इसमें भर दिया था, तो आप इसको भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा सेट हुआ है। तो बस आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा, उसे ठंडा नहीं करना है, हमें गरम गरम ही इस तरह से किसी भी बॉटल में डाल देना है, तभी वो बहुत अच्छे से सेट हो पाएगा, नहीं तो वो इस तरह से दिखेगा। देखिए, मैं आपको इसे काट कर भी बताती हूँ। लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट के जेम की ही तरह। और ये वाला भी मैं आपको बताती हूँ जो कि हमने खरोच के चम्मच से निकाला था, तो देखिएगा इसका टेक्सचर कैसा लग रहा है। तो गरम गरम हमें भर देना है ताकि हमारा जेम अच्छे से सेट हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।